आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। शारदीय नवरात्रि के साथ ही श्रावस्ती जनपद के भंगा बाजार में श्री आदर्श रामलीला समिति द्वारा आयोजित स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें छठवें दिन शनिवार की रात्रि में राम कलेवा, राम वनवास, राम केवट संवाद, दशरथ मरण लीला का मंचन किया गया। राम विवाह के बाद राम कलेवा की लीला आकर्षण का केंद्र है। समिति के पदाधिकारियों द्वारा भगवान राम सहित चारों भाइयों को कलेवा खिलाया गया, जिसके बाद राम वनवास लीला में दिखाया गया कि राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम के वन जाने को तैयार देखकर सीता व लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन में जाने का आग्रह किया तथा अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास की पोशाक धारण की, जिसके पश्चात राम वनवास के लिए लक्ष्मण सीता के साथ मंत्री सुमंत संग अयोध्या से निकलकर वनवास को चल पड़े। यह देखकर अयोध्यावासी भी उनके साथ हो लिए तथा वे राम को वन गमन से रोकते रहे। इसके अलावा कलाकारों ने दशरथ कैकेयी संवाद, राम केवट संवाद और दशरथ मरण का जीवंत अभिनय प्रस्तुत किया। लीला में राम ने केवट से गंगा पार करने का आग्रह किया। गंगा किनारे राम की केवट से भेंट के मंचन को श्रोताओं ने खूब सराहा। इस दौरान राम केवट से गंगा पार करने का आग्रह और राम केवट के संवाद को सराहना मिली। राम लक्ष्मण एवं सीता को गंगा पार करने के बाद केवट जब यह कहता है कि प्रभु आपके पावन चरणों से मेरी नाव और मेरा जीवन पवित्र हो गया, राम लक्ष्मण और सीता के वन चले जाने की सूचना पर महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। दूर दराज से आए दर्शकों से पंडाल भरा रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी।